देखो इसने बोला कि कैलकुलेट करो CRMS स्पीड CO2 मॉलिक्यूल की, मतलब मुझे रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी थी, तो मैंने रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया √3 RT/m। अब आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन को देख के कि कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। अब क्योंकि टेम्परेचर दिया हुआ था तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकती थी, अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और स्पीड दिया होता तो मैं वो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करूँ जो हमने वहां पे कैलकुलेट किया था। तो अब आपने CRMS कैलकुलेट कर लिया, उसमें 3 वैल्यू डाली।